गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड रिमाइंडर थ्योरम. यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज पी ए. सो यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम वी हैव टू डिवाइड एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन. हियर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी एक्स बराबर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. वी हैव टू डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स. सो सिंस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो या x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू माइनस वन, पुटिंग दिस वैल्यू और पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. हिंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. सो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स द रिमाइंडर will be zero. Since gx बराबर जीरो by remainder theorem gx is equal to zero या x plus वन is equal to zero या x is equal to minus वन, this value we put in px and putting x is equal to minus वन in px we get p minus वन is equal to minus वन क्यू प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज जीरो. नाउ वन मोर प्रॉब्लम वन नंबर एंड टू नंबर प्रॉब्लम. इन टू नंबर डिविजन इज GX इज इक्वल टू X माइनस वन बाई टू या GX इज इक्वल टू जीरो या X माइनस वन बाई टू बराबर जीरो या X इज इक्वल टू वन बाई टू. ऑन पुटिंग X इज इक्वल टू वन बाई टू इन पी एक्स 1/2 p into 1/2 बराबर 1/2 का क्यू प्लस 3 into 1/2 square प्लस 3 into 1/2 प्लस 1
इज इक्वल टू 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 बराबर 12 2 26 70 रिमाइंडर विल बी 27/8 हेंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर आंसर इन द सेकंड क्वेश्चन ऑफ 1 जी एक्स बराबर वी आर गिवन एक्स माइनस 1/2 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम जी एक्स बराबर जीरो अथवा या एक्स माइनस 1/2 बराबर जीरो या एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 वी गेट द रिमाइंडर इज 27/8 सिमिलरली यू कैन सॉल्व 3, 4, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 चेक व्हेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x वी हैव टू चेक दैट व्हेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x हियर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x 3x³ + 7x Now, 7 + 3x is equal to 0, या 3x is equal to -7, या x is equal to -7/3. On putting x is equal to -7/3 in 3x³ + 7x. इज इक्वल टू नौ 3x³ + 7x इज इक्वल टू 3 × x³ - 7/3 होल टू दी पावर क्यू 3x³ + 7 × x इज इक्वल टू -7/3 सॉल्विंग 3 × −49 49/3 here is equal to 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 9 × 1 = 9 3 × 27 = 27
Here we are given 7 plus 3 is a factor of 3x cube plus 7x. 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x if the remainder will be 0. So, we putting the value of x in 3x cube plus 7x, 7 plus 3x power 0, या 3x is equal to minus 7, या x is equal to minus 7 by 3. On putting x is equal to minus 7 by 3 in 3x cube plus 7x, 3 into minus 7 by 2, 7 by 3 cube plus 7 into minus 7 by 3 is equal to 3 into, we multiply 3 times minus 7, so minus 3, 43 by 27, minus 49 by 3. Solving, we get the remainder is minus 490 by 9. Here remainder is not 0, so 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. We have to show that whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. If 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, then the remainder will be 0. Here remainder is not 0. Here remainder is minus 490 by 90. So it is not a value of x. Hence 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. If will be the factor, then the 3x cube plus 7x will be 0. So 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. I give you task to solve exercise 2.3, and in next class I will teach you factor theorem of exercise 2.4. Thank you.